recurrence relation of Legendre polynomial. Prove this recurrence relation. We know generating function of Legendre polynomial is 1 over square root 1 minus 2 x t plus t square is equal to summation pn of x power of tn. Is generating function ko differentiate kiya with respect to t, we get this one. Is term ko hum log is term mein bhi likh sakte hain. और ये वाली टर्म हमारे पास इक्वल है समीशन पी एन ऑफ एक्स पावर ऑफ टी एन. इस टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड पे लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद भी गैस समीशन एक्स पी एन ऑफ एक्स पावर ऑफ टी एन माइनस समीशन पी एन ऑफ एक्स पावर ऑफ टी एन प्लस वन इज इक्वल टू समीशन एन पी एन ऑफ एक्स पावर ऑफ टी एन माइनस वन माइनस टू एक्स समीशन एन इन टू पी एन ऑफ एक्स पावर ऑफ टी एन प्लस समीशन एन इन टू पी एन ऑफ एक्स पावर ऑफ टी एन प्लस वन. नाउ कंपेयर द कोफिशियंट ऑफ टी एन. लेकिन यहाँ पे हमारे पास है टी एन प्लस वन और यहाँ पे है टी एन माइनस वन और यहाँ पे है टी एन प्लस वन. After comparing the coefficient of tn, we get x pn of x minus, यहाँ पे n को n minus 1 से replace किया, तो हमारे पास जो power of t है वो n बन गई, minus pn minus 1 of x is equal to, यहाँ पे हमने n को n plus 1 से replace किया और यहाँ पे हमने n को n माइनस वन से रिप्लेस किया. रिप्लेस करने के बाद और कंपेयर करने के बाद वी गेट x पी एन ऑफ x माइनस पी एन माइनस वन ऑफ x इज इक्वल टू n प्लस वन पी एन प्लस वन ऑफ x माइनस टू एन एक्स पी एन ऑफ x प्लस n माइनस वन पी एन माइनस वन ऑफ x. ये टर्म और ये टर्म इन दोनों ने मिलके हमें दिया है टू एन प्लस वन होल ब्रैकेट एक्स इन टू पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये टर्म एन प्लस वन होल ब्रैकेट पी एन प्लस वन ऑफ एक्स प्लस ये टर्म और इसमें से एक टर्म माइनस हुई जो पीछे रह गया प्लस एन पी एन माइनस वन ऑफ एक्स. हेंस प्रूफ. To prove this recurrence relation, we again use generating function. Generating function of Legendre polynomial is 1 over square root 1 minus 2 x t plus t square is equal to summation p n of x power of t n. Is generating function ko differentiate kiya with respect to x, we get this one. Is term ko hum is form mein bhi likh sakte hain. और दिस टर्म इज इक्वल टू समीशन पी एन ऑफ एक्स टी की पावर एन. तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया. इस टर्म को राइट हैंड साइड पे लिखे और आप मल्टीप्लाई किया, वी गेट समीशन पी एन ऑफ एक्स पावर ऑफ टी एन प्लस वन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पी एन ऑफ एक्स पावर ऑफ टी एन माइनस टू एक्स समीशन डेरिवेटिव ऑफ पी एन ऑफ एक्स पावर ऑफ टी एन प्लस वन प्लस समीशन डेरिवेटिव ऑफ पी एन ऑफ एक्स पावर ऑफ टी एन प्लस वन. नाउ वी कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ टी एन. यहाँ पे हमारे पास है टी की पावर एन, तो एन को हम लोग रिप्लेस करेंगे एन प्लस वन और यहाँ पे टी की पावर है एन प्लस टू, तो हम लोग एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे. कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ टी एन प्लस वन किया तो हमें मिला पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पी एन प्लस वन ऑफ एक्स माइनस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ पी एन ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ पी एन माइनस वन ऑफ एक्स. इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो हमारे पास बन गया पी एन ऑफ एक्स प्लस टू एक्स डेरीवेटिव ऑफ पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ पी
n plus 1 of x plus derivative of p n minus 1 of x. Hence prove. To prove this recurrence relation, we know this recurrence relation. Question 1 ko differentiate kiya with respect to x, then multiply kiya by 2 se. Equation number 2 ko multiply kiya to n plus 1 se. Equation 1 ko jab differentiate karte with respect to x, we get 2n plus 1 whole bracket pn of x plus 2n plus 1 whole bracket x into derivative of pn of x is equal to n plus 1 whole bracket derivative of p n plus 1 plus n derivative of n minus 1. Then isko multiply kiya 2 se, we get this one. Isko humne naam de diya question number 3 ka. Ab question number jo 2 hai, isko humne multiply kiya 2n plus 1, we get this one. Equation 3 और equation 4 को subtract किया, we get 2n plus 1 whole bracket pn of x is equal to derivative of p n plus 1 of x minus derivative of p n minus 1 of x. Hence prove.